झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं और वो भी राज्यपाल सिंह मुंडा की झारखंड पार्टी से। क्या है उनका सोच, ये सब जानने की कोशिश की सहयोगी शहनवाज अख्तर ने। दर्द रखने वाले इंसान अजीत कुमार सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और क्या आप इस बात को कंफर्म करते हैं कि आप सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं? और सवाल बहुत चौंकाता है कि आप बीजेपी में नहीं जा रहे, आप जेएमएम में नहीं जा रहे, आप किस पार्टी में जा रहे हैं? देखिए, जरूर मैं सक्रिय राजनीति में भी आना चाहता हूं, परंतु मैं स्पष्ट करूंगा कि मूलतः मैं एक अधिवक्ता हूं और मुझे अधिवक्ता के रूप में ही पहचान मिली है, तो अधिवक्ता के रूप में मैं जो सेवाएं कर रहा हूं वो करता रहूंगा, उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। परंतु राज्य के हित में, राज्य के लोगों के हित में जरूर मैं चाहता हूं। अच्छा खासा प्रोफेशन है आपका, सोसाइटी में उठने बैठने के वाले लोग हैं आपके साथ, राजनीति में आप जाएंगे, आपके पास समय इतना है? देखिए, एक अधिवक्ता जो है वो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, और उम्र के जिस पड़ाव पे मैं हूं, 50 वर्ष से अधिक की उम्र हो चुकी है, तो सामाजिक दायित्व जिसका निर्वहन मैं पहले से करता रहा हूं, लगभग 26-27 वर्षों से वकालत की है और अभी भी करता हूं, भविष्य में भी करता रहूंगा, एक अधिवक्ता के रूप में मुझे पहचान भी मिली है, परंतु जो सामाजिक दायित्व है गरीबों के प्रति वो मुझे जरूर निभाना चाहिए। झारखंड में ऐसी क्या कमी है, झारखंडियों में ऐसी क्या कमजोरी है जो आपको बहुत तकलीफ देती है और आप उसको दूर करना चाहते हैं? देखिए, झारखंड राज्य को बने हुए लगभग 22 वर्ष हो गए, और यहाँ पे मैं देखता हूँ वर्तमान परिस्थितियों में सिर्फ विरोध की राजनीति चल रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, ये मेरे मुताबिक अच्छी बात नहीं है। इसी योग्य जमीनें जो है जहाँ पे खेती हो सकती है और सब्जी उगाया जा सकता है, वो खाली का खाली पड़ा रह जाता है। तो यहाँ की जनता के लिए विकास का क्या विजन रहा है यहाँ की सरकारों के सामने में? क्या मुफ्त में अनाज देने से उनका काम चलेगा? क्या विभिन्न जिलों में या ब्लॉक स्तर पर विकास नहीं होने चाहिए? क्या यहाँ कोल्ड स्टोरेजेस के चेन नहीं होने चाहिए? अनेकों ऐसे सवाल मेरे मन में आते हैं। गवर्नमेंट अलाउंस दिलाया जा सके, जो पूर्व में घोषणाएं हुई हैं वो नहीं हुई है पूरी, तो इस तरह की बहुत सारी बातें मेरे मन में खटकती रहती हैं, और मैं समझता हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में जा करके मैं संगठन भी यदि करता हूँ तो संगठन के जरिए मैं एक दिशा दे पाऊंगा अपनी पार्टी को। कैमरामैन अरविंद के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।